पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मुकेश गौतम, श्री नैना देवी जो बिलासपुर का सिद्ध प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, यहाँ पर आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं और एक आस्था का ये रंग देख रहे हैं आप कि श्रद्धालु जो धूरी से लगभग 180 किलोमीटर का सफ़र पेट के बल चलकर यहाँ पहुँचे हैं माता के दरबार में। श्राद्ध पक्ष के दौरान ये यात्रा हर साल माता के दरबार में पहुंचती है और बहुत ही उत्साह के साथ ये श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। 180 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र और ये पेट के बल चलकर माता के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हर वर्ष ये यात्रा कठिन यात्रा करते हैं और माता नैना देवी ही सबको इस प्रकार की कठिन यात्रा करने की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि इतनी लंबी यात्रा करके श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन इन श्रद्धालुओं के माथे पर थकान की कोई भी लकीर नहीं है। पैरों में पट्टियां बांधकर ये श्रद्धालु लगातार माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। जो भी श्रद्धालु मेरे साथ जुड़े हैं पंजाब किसी टीवी के माध्यम से, उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ये आस्था के रंग सभी श्रद्धालुओं तक पहुंच सके। और ये श्रद्धालु लगातार माता के दरबार में दंडवत करते हुए पहुंचते हैं। लंबा सफर है लेकिन इन श्रद्धालुओं के माथे पर जरा भी थकान की लकीर नज़र नहीं आती और बहुत आस्था लेकर, विश्वास लेकर ऐसी कठिन यात्राएं श्रद्धालु माता के दरबार में करते हैं और माता भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसीलिए श्रद्धालु इस प्रकार की कठिन यात्राओं का संकल्प करते हैं। लगातार आप देख सकते हैं पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से लगातार आप माता के मंदिर से तस्वीरें देख रहे हैं। एक आस्था का रंग, हालांकि रास्ते में धूप भी है और धूप में सड़क के ऊपर पेट के बल चलना काफी कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद ये श्रद्धालु लगातार कठिन यात्रा करके पेट के बल चल के यहाँ पहुंचे हैं और ये आस्था इनकी बिल्कुल देखते ही बनती है। माता के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास लेकर ये श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। पूरा जत्था इन श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचा है, काफी संख्या में आए हैं और ज्योत लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। तो ये सर कितने साल से यात्रा चल रही और किन्ने किन्ने यात्री और किन्ने किलोमीटर का सफर तय किया जी? सर ये लगभग 24 साल धूरी तो चल के असि महा नैना देवी के इतने दर्शनों नूं आए हैं। 200 किलोमीटर का सफर दंडवत यात्रा करके तय करके आए। इस कोई किस तरह की परेशानी नहीं आती यात्रियों को इतना लंबा सफर करके आते हैं? माता की है जी कृपा जी, उन्होंने आशीर्वाद नाल बहुत ही खुशहाल होकर असं इतने आने जी। माँ जी का इन्ना आशीर्वाद बनया रहा, हर डंडोदिया खुश होकर डंडोद पा के इतने आने। तो इनका कहना है कि जो भी श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं वो बिल्कुल अपनी आस्था विश्वास लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं और ये आस्था लगातार बरकरार रहती है। जो भी श्रद्धालु आता है माता उसी शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार की ये कठिन यात्राएं ये पंजाब के श्रद्धालु बखूबी करते हैं और माता के दरबार में पंजाब की सिटी भी है हिमाचल। तो ये लगातार श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ धूरी से ये पहुँचे हैं और यहाँ पर माता का गुणगान किया जा रहा है। Yeah.
ਯਾਤਰੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਕੱਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇਹਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।